श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। 3 अप्रैल की श्री त्रिपुंड शिव महापुराण की कथा में पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने हमें बताया कि स्त्रियां कैसे अपने मस्तक पर त्रिपुंड धारण कर सकती हैं, जिससे उन्हें हर सुख की प्राप्ति होती है। तो गुरु जी ने बताया कि जब भी कोई स्त्री स्नान कर रही हो तो उस स्नान के जल में से थोड़ा सा जल किसी साफ पात्र में निकाल कर उसमें अपनी 3 उंगलियों को डालकर जल में 3 उंगलियों को डालकर फिर उन 3 उंगलियों से अपने मस्तक पर त्रिपुंड बना लें और भगवान शंकर के पंचाक्षर या फिर षटाक्षर मंत्र का स्मरण कर लें, तो ये जो जल का त्रिपुंड आप मस्तक पर लगाएंगे, इसका जो प्रभाव है वो चंदन और भस्म के त्रिपुंड जैसा ही प्रभावशाली होगा। और जो स्त्री इस त्रिपुंड को अपने मस्तक पर लगाएगी उसको हर सुख की प्राप्ति होगी, उसके जीवन में उसका कल्याण होगा। तो 3 अप्रैल की कथा में गुरुजी ने हमें ये बहुत ही अच्छी जानकारी दी, जिसे हमें अपनाना चाहिए और इसका लाभ उठाना चाहिए। ऐसे और भी गुरुजी द्वारा बताए गए उपाय और अच्छी अच्छी जानकारियां आप लोगों के लिए लेकर हाजिर होते रहेंगे। हर हर महादेव।